और वीडियो था ना आ रही और गोविंद टाइम सरायकेला का जो प्रेम लिस्ट है किशन हेम्रम जर्सी नंबर 00 रितेश हेम्रम जर्सी नंबर 3 सोनू जमुदा नंबर 3 कुमार गुड्डू जर्सी नंबर 4 रविंद्र गुड्डू जर्सी नंबर 12 लक्ष्मण मराठी जर्सी नंबर से नहीं है सुनराम टड्डू जर्सी नंबर 13 भोलानाथ टड्डू जर्सी नंबर 5 रोहित हसदा जर्सी नंबर 8 राधे टड्डू जर्सी नंबर 9 गोविंद गोप जर्सी नंबर 2 देवाशीष कुंतिया गोलकीपर जर्सी नंबर से नहीं है। तो चलिए आजाद जी मैदान की ओर चलते हैं और उस मैच के तुरंत बाद जूनियर स्पोर्टिंग क्लब बड़ालिसिया वर्सेस सनराइज क्लब राजेंद्र नगर। अगर आप यहां पहुंचे हुए हैं तो कृपया आप मंच पर अपना उपस्थित दर्ज कर देंगे और दर्शक बंधक की जानकारी के लिए बता दो ये जो डू एंड डाई सरायकेला मैदान के उत्तरी हिस्सा पर और करवा एफसी मैदान के दक्षिणी हिस्सा पर और खेल लगभग 2 मिनट पहले आराम हो चुकी है और अब तक खेल में दोनों टीमें गोल रही बराबरी पर और सरायकेला और ये जो करवा एफसी की टीम है ये हमारे राजनगर प्रखंड की टीम है और दोनों टीमें काफी दूर दराज से आए हुए हैं यानी कि सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के टीमें हैं दोनों। चलिए हालांकि यहाँ पर हमारे 25वें क्षेत्र में झुकसानी प्रखंड के अंतर्गत से बिलोंग करने वाले गांव में एसएनपीटी गुड़ा के होम ग्राउंड में यहाँ पर अपना जलवा दिखाने के लिए आए हैं। तो देखना होगा किस तरह खेल का परिचय देंगे यहाँ पर दोनों ही टीमें जो हमारे खरसावां सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत से बिलोंग करने वाली टीमें हैं। देखना होगा इस मैदान में किस तरह का अपना परिचय देना चाहेंगे खेल के दौरान। एक बार मौका बन सकता है करवा बदली के लेकिन करवा बदली की टीम का राइट विंगर का पिक के तरह गाड़ी और बिग पास करना चाहेंगे बड़ा नंबर के लिए बिग पास किया और 9 नंबर के लिए फॉरवर्ड पास किया लेकिन 9 नंबर गेंद बुझ करके इनको छोड़ दिए यहाँ पर देखना होगा और 8 नंबर अपने कब्जे में लिए हुए गेंद को और 6 नंबर के प्रसाद पर सरायकेला की टीम खिलाड़ी और लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया लेफ्ट विंगर साथी खिलाड़ी को निहारता हुआ मिड फील्डर 1 नंबर के लिए गेंद को निकाल दिया और 1 नंबर सीधे सरकता हुआ बिना विलंब के लक्ष्य पुश करना चाह लेकिन दिशा एक चोट और आजाद जी के लिए आगे का आंखों दिखाल के लिए आपका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि आजाद जी कब आएंगे सबीर जी कब आएंगे। हर जैसे ही बोलते रहते हैं तो विजेंद्रों को मौका कब मिलेगा इसलिए जल्दी आप माइक्रोफोन संभालिए कुछ देर के लिए। हाँ बिल्कुल जैसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें माइक्रोफोन पर आमंत्रित करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर सरायकेला साथ में पकड़ जैसे सेंटर के बीचों बीच अपने साथ प्लेयर को पास देना चाहते थे। फिलहाल यहाँ पर सुनील जो कि पास होता था जैसे पर पड़े हुए सरायकेला की टीम है एक लेफ्ट चकमा देने में सफल दूसरे खिलाड़ी को भी चकमा देने में सफल है लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को निकाल दिया लेफ्ट विंगर अपने साथ प्लेयर को डिस्टर्ब करते हुए पर 4 बुझकर 11 नंबर के लिए छोड़ 11 नंबर एक प्लेयर को चकमा देने का प्रयास और यहाँ पर गिरते फड़ते हुए यहाँ पर अपील इस अपील से असंतुष्ट हमारे खेल सेक्टर महोदय जी पुनः सरायकेला साफ पकड़ जैसे पर पड़े हुए लेफ्ट विंगर यहाँ पर स्कूल के बाद लेफ्ट विंगर की गेंद को निकाल दिए थे मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद के लिए गोल लेग के बाहर कोई क्षति नहीं कोई नुकसान नहीं फुट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को नेट में डालने का प्रयास मगर इस प्रयास को भी असफल करते हुए यहाँ पर कार्रवाई एफसी के गोलकीपर और अपने साथ ही खिलाड़ियों को निरीक्षण करता हुआ यहाँ पर आसमान बुलंद को छूती गेंद को लक्ष्य से और उछाल दी यहाँ पर 5 नंबर रिसीव करने के साथ काफी तेज गति से गेंद को लक्ष्य कर ले जाते यहाँ पर एक प्लेयर चकमा देने को सफल और अपने साथ प्लेयर को समानांतर पास किया और दूसरे साइड यहाँ पर लेफ्ट फील्ड का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर अपील और इस अपील की संतुष्ट और खेल सकते और महोदय जी जो कि जमशेदपुर के पूर्व सिंह क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आप किसी के नजर से बचे या ना बचे हमारे खेल सकते महोदय या रेफरी महोदय से मैं तहे दिल से माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ कि प्रेजेंट में जो ये मैच चल रही है इस मैच से आंखों पर का हाल सुनाए मिस्टर आजाद जी बॉल पेन सुखी दो तरंग सुखी जोहर होते मस्कल तक चंडे दो जोहर
होलटन सिंगी दो तोरण सिंगी जोहार ओटे मस्कल ता चांडो जोहार होयर लेकोमेंटन बाद बाजवार अपो सभी जोड़ी गाती ते हुदू सेटर बिटा कर जनता कलब फुटबॉल टूर्नामेंट रे एफएनपीटी गुड़ापाय ते आयोजन कर तमाम दर्शक अंडो दर्शिका को आलिंग अंडो आलिंग है साथी कमेंटेटर आजाद अंडो आलिंग है सात्र मिनाती है जैसिंग जी अकिंग पाय ते ऐसे पूरे पूरे तुमान अंडो पीपीएम अंडो एक तायम ते नैन एफएन आउट थ्रोइंग या बाउटेटिंग नमिया करसो एफसी अरे एस बिलिंग एंड गेटिंग होड में तड़ा किए दिल से तो छः नंबर लगे में तो छः नंबर बोर्ड पे कठिन बिताए ना अरे दिल्ली की दिमाग का अपना एक बार खिलाई चला कर सुना रहे बारह नंबर खिलाई एस बिलिंग एंड गेट सेंटर फ्रॉड आप बात रे बोल की बोल तेरा चार नंबर खिलाई चिरे किंग चिंगे तरह किए दिल से तड़ा लगे दस नंबर लगे किंग दे पास करा दस नंबर एस बनिए अपना दिल से तड़ा सात नंबर लगे किंग बोल तेरा सात नंबर खिलाई जमीन में स्टोक नेता सीधे डी बॉक्स से बोल अगर किया भर से प्रयास रेकिंग टाइप ना में तो सफल कहा हुआ है ना मिंटा रे डिफेंसिंग लाइन काफी मजबूत है किना जो कि करसवा एफसी को आए तो बातें तो निश्चित रूप से निंता खतरा हुआ थी आटा इतना आटा देखते हैं सुनाए बार किना मगर ना तीन नंबर जन जर्सी रे एक मेडो खिलाड़ी चकन की तैयार था बड़ा किया काफी स्ट्रेकिंग था किना मेंदो सफल का हुआ ना आटा बॉल सीधे ताज लाइन पर मंडो निंते आउट थ्रोइंग किया मौके की ना मगर ना करसवा एफसी अदो डिस्टेंस स्ट्राइक किला पाए तो थ्रोइंग टाइप की ना छह नंबर खिलाड़ी जो कि साहू नितिन सिंह नितिन सिंह ना डिस्टेंस दस नंबर सुनील अगले दूसरे पे लगे तो प्यार नंबर लगे डॉल किया क्लासिस रिकी टाइप की ना मैं तो ये सारे साथी खिलाड़ी पाए ना टाइप की ना आती है अदो डिस्टेंस बनाए एक बार कर समय से सारे बोल अकिंग कटर विकेट या पर फिर प्यास में तो सफल का हुआ ना नो बोल पर में ना तत्वाइन है तो पर में तो इतना एक बार कर समय से अकिंग है दूर से आठ नंबर लगे तीन और तेरा आठ नंबर काफी है साइड इंतारे तीसरे हूँ नेले लिखा कि छोटू ने टाइप ना डे सात नंबर लगे तीन और तेरा आज जैसे ही मैच समाप्त होगी मेडिकल चेकअप के तुरंत बाद मैदान के बीचों बीच प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो इस समय मिला है करसवा एफसी को अपने अंदाज में यहाँ पर लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट इस तरह से निकाल दिया लेफ्ट इस तरह पांच नंबर के खिलाड़ी एक खिलाड़ी को इस इस्तेमाल देना चाहा लेकिन यहाँ पर रॉन्ग टैकल हुई है निश्चित रूप से रॉन्ग टैकल यहाँ पर फ्री किक का मौका मिलेगा करसवा एफसी को क्या कुछ कर पाएंगे या नहीं देखने वाली बात रहेगी काफी नजदीकी मामला बना हुआ है जैसिंग जी अगर देखा जाए इस शूट आउट को अगर अपने टीम के लिए सही यूटिलाइज करते हैं तो निश्चित रूप से बढ़त बना सकते हैं शूट आउट के बाद ही पता चलेगा यहाँ पर दीवार के बाद ही दो खिलाड़ी तैनात उनके बीच से निकाल दिए थे लेकिन काफी डिजाइन होते हुए बॉल चली पचहत्तर तक दोनों टीम शून्य शून्य की बराबरी पर और एक कहते ही कहते हमारे खेल सचिव महोदय जी के द्वारा खेल आरएफसी घोषणा पचहत्तर के बाद पचहत्तर तक दोनों टीम शून्य शून्य की बराबरी पर और दोनों टीम यहाँ पर सेंटर के बीच में ग्यारह नंबर फॉरवर्ड पास किया ग्यारह नंबर दस नंबर की दस नंबर चकमा देने का प्रयास गेंद उसे छीन ली गई पुनः दस नंबर उसे छीन ली और यहाँ पर एक लड़क चकमा देने का प्रयास लेफ्ट और सकावन का मुंह का प्रयास अपने साथ खिलाड़ी के लिए पास निकाल दिए थे और यहाँ पर अभी इस अपील संतुष्ट जिसका खामियाजा कारवाई एफसी को भुगतना पड़ेगा सबीर के ख्वाबों में आए हैं दोस्तों एसएमएस की तरह सबीर के ख्वाबों में आए हैं दोस्तों दोस्तों एसएमएस की तरह जैसिंग के दिलों में बसे हैं दोस्तों रिंगटोन की तरह जैसिंग के दिलों में बसे हैं दोस्तों रिंगटोन की तरह आप दोनों की प्यार की कमी ना होगी बैलेंस की तरह बस आप दोनों साथ ना छोड़ना बिल्कुल आपने सही जिक्र किया अंतिम समय तक जो कि ऐतिहासिक दिन तक हमारा बहुमूल्य समय रहेगा आपके बीच और इससे पहले जो मैच चल रही थी मैं उनका जानकारी देना चाहूंगा जो कि टाई ब्रेकर के जरिए उनका अंतिम निर्णय ली गई थी उनमें अगला तौर पर अपना जगह सुनिश्चित कर चुके हैं नव जगत संघ सिल्वर क्लब चंद्रपुर के तमाम खिलाड़ी उनको मैच थे मगर वो गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद चलेगी आउट लेग के बाहर अब थ्रोइन का मौका मिलेगा कारो आपकी थ्रोइन के जरिए अपने मुख्य डिफेंडर के लिए मुख्य डिफेंडर लेफ्ट विंगर के लिए समानांतर पास किया है लेफ्ट विंगर
सचिन छीन ली गई। फिलहाल डू एंड डाई सारा किला गेंद पर अभी होता हुआ 11 नंबर समानांतर पास किया है। 10 नंबर 10 नंबर 2 नंबर के बैक पास की 2 नंबर 6 नंबर राइट फिंगर की गेंद को निकाल दी। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए यहाँ पर काफी मुस्तैद और गेंद को समझ होश के साथ आउटलेट के बाहर तक खेलती है और यहाँ पर थ्रोइंग का मौका मिलेगा। टू एंड डाइस सारा के और यहाँ पर गलत थ्रोइंग का नकारा पेस खेल चलता हुआ। दोनों टीम कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हुए अपनी टीम को जीत या बढ़त दिलाने के लिए यहाँ पर थ्रोइंग के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास। फिलहाल डू एंड डाई 2 नंबर के जर्सी पर पहने हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर हेड के जरिए सेंटर के बीचों बीच और यहाँ पर कारवा एफसी को एक मौका मिला है जो कि 8 नंबर के जर्सी पर पहने अपने साथी खिलाड़ी को नीचे करता हुआ यहाँ पर समानांतर पास किया था। 2 नंबर गेंद को समझ नहीं पाया और गेंद चली गई प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पास। सुना गेंद पर हावी होता हुआ यहाँ पर कारवा एफसी यहाँ पर राइट डिफेंडर जो कि 4 नंबर के जर्सी पर पहने हुए बिल्कुल हमारे मुख्य मंच के करीब यहाँ पर समानांतर पास किए 9 नंबर के चकमा देने में सफल और यहाँ पर लेफ्ट विंगर के लिए लंबा पास किया लेफ्ट फुट से देखते गेंद के पीछे भागते हुए गेंद पहुंचने में तो सफल अब एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास। दोनों टीमों के बीच काफी की टक्कर अभी तक के खेल में दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर और खेल के अंतिम चरण यहाँ पर कारवा एफसी को कॉर्नर फ्री किक का मौका मिला जिसको हमें आधे गोल के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर समानांतर पास किया 4 नंबर गेंद को उछाल दिए राइट फुट से और यहाँ पर डिफेंडर मुस्तैद डू एंड डाई सरायकेला के गेंद को हेड के जरिए क्लियर करने में सफल और यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए डू एंड डाई सरायकेला 6 नंबर के बदले 9 नंबर के पोशाक पर पहने हुए अग्रसर होता हुआ। इसलिए इस खेल के बाद प्रथम सत्र का 5वां मैच खेलने के लिए भी तैयारी हालत में रहेंगे जूनियर स्टूडेंट बड़ा लिखिया वर्सेस सनराइज का राजेंद्र नगर। आज जहाँ टीमों के टीम कैप्टन या टीम मैनेजर से मेरी अनुरोध है गुजारिश है कि अपने खिलाड़ियों को तैयारी हालत में रखें और ये मैच समाप्त होने के 5 मिनट पूर्व हमारे सेकंड मंडल और मुख्य डिफेंडर घोषित करने को तैयार और सुंदर सेंटर से बीचों बीच 9 नंबर के लिए मगर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी यहां पर हेड के जरिए टीम को क्लियर करने में सफल और यहां पर कारवाई की। यहां पर सुंदर 4 नंबर की राइट विंगर की गेंद को निकाल देना था तो गेंद जिससे छीन ली गई यहां पर डू एंड डाई सारा किला 3 नंबर जाने जाते हैं उसे पूरा गोल में तब्दील कर पाएंगे या नहीं ये तो शूट आउट के बाद ही पता चलेगी अपने टीम के लिए किस प्रकार से शूट आउट लेते हैं और इसी के साथ बहुत ही अच्छा शूट आउट अपने साथी खिलाड़ी के लिए छोटे से सरका दिया और पुनः उनको पास कर दिए थे राइट स्कोरर शूट आउट का लाजवाब अच्छा सेक्टर फ्रॉड के आसपास और